वोट आपकी ताकत है। तो चूज़ करते हुए आप जिस बंदे को सेलेक्ट करेंगे, आप उनके माजी के किरदार को मद्देनजर रखते हुए चूज़ करें। आजकल जितने भी नुमाइंदे उठे हैं वो सारे के सारे नए नुमाइंदे हैं, हम उन पर भरोसा कर भी नहीं सकते क्योंकि उनकी कारकर्दगी हमारे पास फ़िलहाल ज़ीरो है। 2013 में हमारे पास साथ MWM वाले का जो MPA था, 1% काम भी नहीं किया था उन लोगों ने। ये अलग बात है, दबाव डाल रहे हैं लोगों पे, मजहबी दबाव डाल रहे हैं और कुछ ये फिरका परस्ती वाले डाल रहे हैं। तो मैं HDP को इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने हमारे लोगों के लिए, हमारे कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। मतलब हमने सबसे ज़्यादा जो है मतलब फोकस किया था, जो सब पहले जो था वो हम मेहमान था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इलेक्शन करीब आते ही सियासी गहमा गहमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर जगह सियासी पार्टी जो है ना आवाम को अपनी तरफ लाने के लिए बहुत सारे इकदाम कर रही हैं, जगह जगह झंडियाँ लगाई गई हैं, उनके पास जाकर वादे किए जा रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं जिनमें स्पीकर के ज़रिए वो लोगों को आगाह कर रहे हैं अपने मंशूर के ज़रिए। ये वो वक्त होता है कि आवाम जो होती है ना उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। 5 सालों में आवाम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जितनी कि इस वक्त मिलती है, तो इसलिए आवाम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो हम लोग भी आए हैं एक ऐसी ही जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं आने वाले इलेक्शन के हवाले से, सियासतदानों के हवाले से। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 263 हल्का और PBK 42 हल्के में, जो कि एक इलाका कहलाता है अलमदार रोड और मरियाबाद का, और इस एरिया में हो रहा है HDP का बहुत बड़ा जलसा जहाँ पे बड़ी तादाद में खवातीन मौजूद हैं। तो इस जगह के लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वो किस तरह के नुमाइंदे का इंतखाब करना चाहते हैं अपने इलाके के लिए। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप मुझे बताइएगा कि आप जो हैं किस नुमाइंदे का इंतखाब करना चाहती हैं इलेक्शन में और क्यों? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सईदा जुमा खान। मैं यहाँ पर हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, अलमदार रोड वमेन विंग की मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैंने हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी को एज अ सियासी पार्टी इसलिए चूज़ किया है क्योंकि हमारे इलाके में सबसे बेस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी है, जिनका मंशूर अमन, मोहब्बत, भाईचारा, और जिनके मंशूर का अहम तरीन मकसद नौजवानों की तालीम के हवाले से, माशी तरक्की के हवाले से, इन्होंने माजी में गुज़िश्ता 5 साल में जो खिदमात अंजाम किए हैं आज तक हमारे हज़ारा कम्युनिटी की तारीख में किसी ने नहीं किया। तो मैं एज अ यूथ सबको ये मतलब पैगाम देना चाहती हूँ कि आप जब भी किसी बंदे को अपने लीडर के हैसियत से चूज़ करते हैं, वोट आपकी ताकत है। तो चूज़ करते हुए आप जिस बंदे को सेलेक्ट करेंगे, आप उनके माजी के किरदार को मद्देनजर रखते हुए चूज़ करें। आप अपना तारुफ करवाइएगा और बताइएगा कि आपके इलाके के आपने आज तक क्या मसाइल देखे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट होकर आती है तो उन्होंने किस हद तक आपके मसाइल को हल किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ताल्लुक भी HDP पार्टी से है और मैं वुमेन विंग की नायब सदर हूँ। HDP चाहे हुकूमत में रही है चाहे हुकूमत में नहीं रही है, HDP ने काम किया है और गुज़िश्ता 10-20 सालों से काम किया है। आजकल जितने भी नुमाइंदे उठे हैं वो सारे के सारे नए नुमाइंदे हैं, हम उन पर भरोसा कर भी नहीं सकते क्योंकि उनकी कारकर्दगी हमारे पास फ़िलहाल ज़ीरो है। हाँ, अगर उनके वादों पर आए कि ये करेंगे वो करेंगे वो तो दूर की बात है, लेकिन HDP ने कर दिखाया है। गुज़िश्ता 5 साल आपके सामने हैं, आप किसी भी एरिया का जो है किसी भी एरिया को हमारे एरिया से मिलाकर देख सकते हैं, टेली सारी जगहों पे देख सकते हैं, रोड हो, नालियाँ हो, खंबे हो, बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, जो भी मसला था हमारा HDP ने हल किया है। और सबसे बड़ा मसला जो हमारा था वो था अमन अमान का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 5 साल अमन अमान से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं और आज़ादाना पूरे शहर में फिर रहे हैं और बज़ाते ख़ुद हम जॉब भी कर रहे हैं। पहले तो हमारे लिए यूनिवर्सिटीज़ तक बंद कर दिया गया था, लेकिन गुज़िश्ता 5 साल से हम आज़ादाना तौर पर इधर उधर जा रहे हैं और यही हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की और इससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ की खवातीन में कितना ज़्यादा शऊर है वोट को लेकर, अपने हकूक़ को लेकर। रही हैं, कह रही हैं कि आएँ वोट करें और पार्टीज़ के बारे में आपको आगाह भी कर रही हैं। यहाँ हम और भी खवातीन से बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय कि आखिर और कितनी पार्टीज़ उनके पास आई हैं और कितने सबसबाक दिखाए होंगे। आइए चलते हैं। एक और लेडी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर 3 पार्टीज़ हैं सबसे बड़ी, जिनमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, PTI है। तो ये तीनों पार्टीज़ भी आप लोगों के पास आई हैं वोट मांगने के लिए और आपको क्या लगता है किस तरह का सलूक रहा है उनका आप लोगों के साथ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साबिर है।
मैं कोयटा की शहरी हूँ और मेरा ताल्लुक HDP से है, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी से। हाँ, बाकी पार्टीज़ भी हमारे पास आए थे लेकिन उनकी पॉइंट, उनकी विजन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी HDP की है। जैसे कि आप सबको पता है, पिछले लास्ट टाइम में 2013 में हमारे पास साथ MWM वाले का जो MPA था, 1% काम भी नहीं किया था हम लोगों ने, ना हमें कुछ प्रोवाइड किया था, ना मतलब ना जॉब्स, ना एजुकेशन, ना स्ट्रीट लाइट्स, कुछ भी हमें पता भी नहीं था कि वो लोग है कहाँ। जैसे लोग उनके घर के पास जाते थे किसी काम के लिए, वो लोग उनको घर से ही निकाल देते थे कि MPA साहब सो रहे हैं जी। ठीक है, इस दफ़ा इनके इलाके से जो है मजहबी वो स्कॉलर्स हैं वो भी आप लोगों के इलाके से खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, और दूसरे लोग भी खड़े हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप किन लोगों को सपोर्ट करेंगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मस्मा अहमद और मैं एक्स काउंसलर, पहले वदतुल मुस्लिमीन में थी, फिर मैंने HDP ज्वाइन की। तो मुझे ये लगता है कि मतलब लोगों को काम चाहिए, मज़हब अपनी जगह, सियासत अपनी जगह, लोगों को काम चाहिए। तो पहली बार भी मज़हबी लोग खड़े हुए हैं लेकिन काम किसी का नहीं हो सका। हालांकि मेरा अपना फ़ंड जो था वो मुझे इख्तियार नहीं था कि मैं खुद खर्च करूँ, तो मैंने पार्टी ज्वाइन की। मैंने देखा कि ये इन लोगों ने भी बहुत काम किए हैं, सबसे ज़्यादा जो इन लोगों ने काम किया स्पोर्ट्स और तालीम के लिए, ये जो स्टूडेंट हैं इनको अप्रिशिएट किया, इनको लैपटॉप वगैरह दिए, जो खेलने वाले बच्चे थे उनको आगे लेकर आए गेम्स में, हमारी जो क्वेटा बलूचिस्तान है काफ़ी आगे निकल गई, वो इन्हीं की खातिर निकले हैं। बाकी पार्टी भी मेरे पास आए थे लेकिन मैं वही चाहती हूँ कि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, तो मैं चाहती हूँ ऐसा काम हो जो दूसरों के, मतलब हमें सिर्फ सियासत से काम नहीं है, हमें अपने सूबे से, अपने मुल्क से काम है। तो जो मुल्क और सूबा और अपने इलाके के लिए काम कर सकें हम उन्हीं का साथ देंगे। हाँ, ये अलग बात है, दबाव डाल रहे हैं लोगों पे, मजहबी दबाव डाल रहे हैं और कुछ ये फिरका परस्ती वाले डाल रहे हैं, लेकिन मैं बजात खुद HDP से काफ़ी खुश हूँ और मैंने देखा है कि बहुत काम किया है, बहुत तरक्की हुई है, सिर्फ हमारे इलाके में नहीं। और HDP पार्टी की एक अलग खसूसियत है कि वो कौम परस्ती के हिसाब से काम नहीं कर रहे, बल्कि पूरे क्वेटा में उन्होंने काम किया, पूरे सूबे में, आगे भी चल के उन्होंने काम किया। यहाँ मेरे पास एक पार्टी की यंगेस्ट वर्कर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी नज़र में खवातीन के उन्हें क्या मसाइल नज़र आते हैं, क्योंकि वो खुद एक फील्ड में काम कर रही हैं और काफ़ी पार्टीज आई हैं, तो उन्होंने किस तरह के दावे किए और क्या वो लोग खवातीन को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम, मैं HDP की तरफ से हूँ और मैं एक वर्कर हूँ, मेरे लिए तो मैं HDP को इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने हमारे लोगों के लिए, हमारे कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, और जितने भी यहाँ पे मसाइल जो है उन्होंने, हमारे जो चेयरमैन हैं अब्दुल खालिक हज़ारा, उन्होंने उन सब मसाइल को सॉल्व किया है और लोगों के काम आसान किया है। इस दफ़ा 2 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, वो वोट कास्ट करने वाले हैं, जानते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं पार्टी से और आगे आने वाली गवर्नमेंट से, आइए जानते हैं। जी बताइए। मैं मासमा हूँ, पहली दफ़ा वोट कास्ट कर रही हूँ 2024 में। मैं एक ऐसे इलाके में रहती हूँ जहाँ पर बहुत सारे अख़वाम रहते हैं, तो मुझे HDP का जो मंशूर है अमन, मोहब्बत, भाईचारा, वो बहुत मुझे सही लगता है, क्योंकि इस वक्त हमें आपसी भाईचारे की ज़रूरत है और HDP ने पिछले 5 सालों में ये साबित कर दिया है कि ये अमन चाहते, ये दोस्ती चाहते और इन्होंने करके दिखाया, इसलिए मेरा वोट HDP को इस दफ़ा। ठीक है, यहाँ हमने खवातीन वोटर से भी बात की और हर एक की ज़बान पर सिर्फ HDP और खालिक हज़ारा सर का नाम है। वो कहते हैं कि आने वाली गवर्नमेंट में वो सिर्फ उन्हें सपोर्ट करने वाले हैं, उनसे जानते हैं खालिक हज़ारा साहब से, क्योंकि वो हमारे साथ मौजूद हैं, कि उनकी पार्टी का मंशूर क्या है आने वाली गवर्नमेंट में, वो आवाम के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, हमारा मंशूर जो है, मतलब हमने सबसे ज़्यादा जो है, मतलब फोकस किया था जो सब पहले जो था, वो अमन अमान था, क्योंकि शहर की जो अमन अमान के हवाले से लाइन ऑर्डर सिचुएशन बहुत सीरियस थी हमारे आने के बाद। बफजल खुदावंद आज आप देख रहे हैं क्वेटा शहर में हर शहरी जो है सुख का सांस ले रहे हैं और बड़ी आराम से जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। दूसरी बात ये थी कि हमने यूथ को फोकस किया था, यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट को हमने फोकस दी थी, जिस पर हमने काफ़ी डिलीवर किया। हमने जो है बहुत बड़े बड़े इवेंट्स, स्पोर्ट्स के इवेंट्स कराए,
यूथ समिट ऑल पाकिस्तान यूथ समिट करवाया, जहाँ से 99 डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान से यूथ यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने जो है मतलब यहाँ पे अपने ख्यालात का इजहार करके वापस चले गए। स्पोर्ट्स के वाले से हमने नेशनल गेम्स कराया 19 साल के बाद। बलूचिस्तान गेम्स पहली मरतबा बलूचिस्तान की सरजमीन पे हुआ। 3-4 मरतबा जो है फुटबॉल का जो है मतलब नेशनल चैम्पियनशिप कराया, 2 मरतबा हॉकी का नेशनल चैम्पियनशिप कराया और 2 मरतबा वुशो का नेशनल चैम्पियनशिप कराया, कराटे का नेशनल चैम्पियनशिप हमने कराया और हॉकी का और बैडमिंटन टेबल टेनिस स्क्वाश के नेशनल चैम्पियनशिप हमने कराया। बलूचिस्तान की सरजमीन पे 14 अगस्त 23 मार्च और 6 सितंबर के हवाले से हमने टूर्नामेंट्स करवाए, गेम्स करवाए बहुत ज़्यादा उसमें, और ख़ास तौर पर नेशनल गेम्स जो 19 साल के बाद हमने कराया क्वेटा की सरजमीन पे 8,000 प्लेयर्स यहाँ पे तशरीफ़ लाए और बफज़ल खुदावन कोई वाक़ पेश नहीं हुआ। बड़ी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल बात यह है कि इसका इफ्तिताह जो है मतलब वज़ीर आज़म साहब के दस्ते मुबारक से हुआ और इख्तिताम जो है मतलब वो सदर मुमलिकत ने नेशनल गेम्स को कराया। ये क्रेडिट भी जाएगा और इससे जो साफ टीमेज उजागर हुआ बलूचिस्तान का, सारी दुनिया में लोगों ने देख लिया कि भाई बलूचिस्तान की जो साफ टीमेज है कि यहाँ पे प्लेयर्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के प्लेयर्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ सूबों के प्लेयर्स आ रहे हैं और उन्होंने वो महजूज होकर बड़ी शाइस्तगी से महजूज होकर यहाँ से चले गए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप लोगों ने जानी यहाँ पर मौजूद आवाम की राय कि वो लोग किस तरह सोचते हैं कि कौन सी पार्टी उनके लिए बेहतर है, वो लोग जानते हैं उन्हें आगे क्या करना है, लेकिन आप लोगों को भी घर पर नहीं बैठना है, अपने वोट को इस्तेमाल करना है, सोच समझ कर वोट करना है, क्योंकि अगर आप वोट नहीं करेंगे तो वोट ज़ाया हो जाएगा। तो भाई अपना जो वोट है वो आपको सोच समझ के और ज़रूर कास्ट करना है। तो 8 फरवरी जो है आप रेडी रहिएगा और जाना है आपको अपने करीबी पोलिंग स्टेशन में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।